आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर फिर केंद्रीय जांच एजेंसी यानी सीबीआई ने शिकंजा कसा है। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले यानी लैंड फॉर जॉब स्कीम के मामले में लालू और उनके परिवार के लोगों से जुड़े 17 ठिकानों पर छापेमारी की। लालू यादव के साथ ही उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती के पटना, गोपालगंज और दिल्ली स्थित ठिकानों पर सीबीआई की टीम पहुंची। 2004 से 2009 के बीच लालू प्रसाद यादव यूपीए सरकार में रेल मंत्री थे। आरोप है कि लालू के रेल मंत्री रहते हुए रेलवे भर्ती में घोटाला हुआ। कहा जा रहा है कि नौकरी लगवाने के बदले में आवेदकों से जमीन और प्लॉट लिए गए। सीबीआई ने इस मामले में जांच के बाद लालू प्रसाद और उनकी बेटी मीसा भारती के खिलाफ मामला दर्ज किया। आरोप है कि जो जमीनें ली गई वो राबड़ी देवी और मीसा भारती के नाम पर भी ली गई। रेल भर्ती से जुड़े एक और घोटाले का आरोप यूपीए सरकार में रेल मंत्री रहे पवन बंसल के भांजे विजय सिंगला पर लगा है। इस मामले में भी सीबीआई ने विजय सिंगला समेत 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इस मामले में विजय सिंगला पर मनी लॉन्ड्रिंग का भी आरोप है। आईआरसीटीसी का मामला रेलवे भर्ती घोटाले से अलग है। आईआरसीटीसी घोटाले के आरोप भी 2004 में लालू के रेल मंत्री रहते होने की बात है। दरअसल रेलवे बोर्ड ने उस वक्त रेलवे की कैटरिंग और रेलवे होटलों की सेवा को पूरी तरह से आईआरसीटीसी को सौंप दिया था। इस दौरान रांची और पुरी के बीएनआर होटल में रखरखाव, संचालन और विकास को लेकर जारी टेंडर में अनियमितताएं किए जाने की बात आई थी। ये टेंडर 2006 में एक प्राइवेट होटल सुजाता होटल को मिला था। आरोप है कि सुजाता होटल्स के मालिक इसके बदले लालू यादव परिवार को पटना में 3 एकड़ जमीन दी, जो बेनामी संपत्ति थी। इस मामले में भी लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत कई आरोपी हैं। 2017 में इसी मामले में जेडीयू और आरजेडी के बीच हुआ महासंगठन टूटा था। ब्यूरो रिपोर्ट, मृदुभाषी न्यूज। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।